मैं इस फिल्म में एक ऐसा पात्र निभा रहा हूं जो ये 500 वर्ष की जो संघर्ष गाथा रही है भारतवर्ष के हर हृदय की, जिन जिन लोगों ने अपनी आहुतियां दी, अनगिनत लोगों ने, और आज ये राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा तो हर जन जन में है, हर भारत के कण कण में राम है, लेकिन जिस बर्बरता से बर्बर आक्रांताओं ने ठेस पहुंचाई थी, उसको न्याय मंदिर में भी न्याय मिला, और जो हमारे हृदय में है वो मूर्तिमंत हमें दिखाई देंगे, और अयोध्या ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी थी, है और रहेगी। मैं एक बात बताता हूं, मैं जो पात्र निभा रहा हूं वो इस संघर्ष को न्याय मंदिर में जिन्होंने वाचा दी, और जिन्होंने जो लोग कहते थे कि राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, वो लोग खुद को झांके कि कहीं वो तो काल्पनिक नहीं हो रहे हैं। तो इस संघर्ष को और न्याय मंदिर में इसको वाचा देने वाले वकील का किरदार मैं कर रहा हूं, जिन्होंने इस संघर्ष के अंतिम कलश की रचना की और न्याय मंदिर में इसका मार्ग जो है वो प्रशस्त किया, राम मंदिर बनने का, वो पात्र मैं निभा रहा हूं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत राम राम इस देश की आस्था है, राम भारत की श्रद्धा है, और हमारी श्रद्धा और आस्था को कितना भी कोई मिटाना चाहे नहीं मिटा सकता। देखिए, राम ये शब्द इतना अद्भुत है, अक्षर दो है, लेकिन हम कहीं भी कोई भी चीज हमें अच्छी लगती है और कोई व्यक्ति अच्छा वर्तन करता है तो हम निश्चित रूप से कहते हैं कि ये राम जैसा है, और किसी चीज में हमें कभी भी अपवित्रता दिखाई देती है तो हम निश्चित रूप से कहते हैं कि इस चीज में कोई राम नहीं है, और कहीं भी कोई चीज में यदि कोई अद्भुत बात हो तो कहते हैं कि इसमें राम है। और राम, रामायण और प्रभु रामचंद्र का चरित्र हमें यह सिखाता है कि पिता कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, बंधुत्व तो कैसा होना चाहिए, और मित्रत्व कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, और शत्रु से भी व्यवहार कैसे करना चाहिए, यह हमें राम, प्रभु राम का चरित्र सिखाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 695 है, ये सारी चीजों को जो हर भारत के हृदय में बसी हुई चीजें हैं उसे वाचा देने वाली ये 695 जो है वो एक अद्भुत तरीके से, क्योंकि लोग इसे दिल से देखेंगे, हृदय से देखेंगे, और जिन्होंने 80 के दशक से या जो भी बुजुर्ग हैं उन्होंने जो भी संघर्ष दिखाया वो भी अपने आप को दिल से देखेंगे, चित्त से देखेंगे और दृष्टि से भी देखेंगे।